नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एएस एकेडमी में, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे लीनियर इक्वेशन यानी टू वेरिएबल के लिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दो चर वालों रेखिक समीकरण, यानी दो चर वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं उसको हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। यानी आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। सभी लोग लाइव आ जाइएगा जरा जल्दी से। आज मैंने सोचा मैथ्स का कुछ ऐसा टॉपिक बता दिया जाए जो आपके लिए सभी को लाभदायक हो। सभी लोग लाइव आ जाइए जरा, सभी लोग आ जाइएगा जल्दी से। अभी तक देखिए कोई लाइव नहीं आया। जितने लोग लाइव आ जाए वो जरा वीडियो को शेयर कर दें। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रेखिक समीकरण। यह क्लास वर्ग तीन के लिए भी बहुत मोस्ट आईएमपी है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए होगा। हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? जरा वीडियो को शेयर करते जाइएगा, हम पढ़ते हैं आज। बिल्कुल आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जो आपको ऐसा लगेगा कि यार लीनियर इक्वेशन अब बिल्कुल इतना इजी हो गया, इतना आसान हो गया कि आपने सोचा ही नहीं था कि आप दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और आप कोई भी लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लाई निकाल करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो जब हम कोई भी लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं टू वेरिएबल की, यानी दो डिजिट की जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा हमेशा दो चर होते हैं। चर को हम हिंदी में, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। यदि जब मैं मान लूं कोई संख्या या कोई इक्वेशन, यदि मान लो मुझे 2x माइनस का 5 बराबर 0 दिया है, तो ये मैं मानूं, यदि कोई मेरे से बोले कि भैया ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है, हाय बिल्कुल, तो एक्सपेरिमेंट गुरु बोलते हैं हाय बिल्कुल है। तो मैं देखिएगा, देख सकता हूं उधर पे, मुझे जब देखना है कि 2x माइनस 5 बराबर 0 है, तो आप सोचिएगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। 2x बराबर 5 भी लिख सकता हूं और इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। यदि इसमें मैं वेरिएबल की बात करूं या फिर कोई चर की बात करूं, तो इसमें जो x है, x क्या हो जाएगा हमारा चर, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हमारी क्लास फर्स्ट है, थोड़ा सा मैं उस आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा x को हम चर बोलते हैं और उसी को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा हूं, मेन बात अपने मुद्दे पर आ जाए कि जब कोई भी दो चर हो तो हमारे लिए दो समीकरण की आवश्यकता होती है। याद रखना, जब दो चर होते हैं तो दो समीकरण की आवश्यकता होती है, जब तीन चर होते हैं तो तीन समीकरण की आवश्यकता होती है। चर जैसे मान लिया एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ। यदि आपका एक्स, वाई और जेड ये तीन आपके वेरिएबल हैं, यानी ये तीन आपके चर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको कोई भी दो चर की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आपको दो इक्वेशन होंगी। कोई भी मान लेता हूं, जैसे मैंने a1x प्लस का b1y प्लस का c बराबर 0, एक ऐसी इक्वेशन होगी। दूसरी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, इस प्रकार से होगा। समझ रहे हैं आप? यदि दो इक्वेशन में मेरा x और ax और ये y और ये y, इधर पे ये दो मेरे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। जरा ये फोन किसका आ रहा है यार, प्लीज मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग फोन रात में ना लगाए, प्लीज कोई भी रात में फोन ना लगाए। तो देखिएगा ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल। यदि कोई आपसे बोल दे कि भैया आपको तीन वेरिएबल हैं उसका मान निकालना, तो ये a3x प्लस का b3y प्लस का c3 बराबर में 0। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इसलिए बेसिक चीजें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस शॉर्ट ट्रिक से पूरा सवाल करके बता दूं, ये थोड़े से आपकी समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये 3x मतलब ये आपकी तीन इक्वेशन हो गई है ना, ये तो तीन इक्वेशन है आपकी। इन तीनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, तीन वेरिएबल का फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए आप सारी बातें? चलिए अब ये देखिएगा, भैया कोई भैया कॉल कर रहे हैं, इनका नाम क्या आ रहा है इस पे, ये क्या करते हैं, मैं इसीलिए सोचता हूं यार इनके फोन रिसीव ना करूं तो अच्छा है, लोग क्लास के टाइम में भी डिस्टर्ब करते हैं टोटल। अब देखिएगा, मैं ये तो मैंने बात बता दी, अब ध्यान रखिएगा एक लीनियर इक्वेशन जब आपको इस प्रकार की कोई दी हो, इस प्रकार की कोई दो लीनियर इक्वेशन दी हो और आपको उसका एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक छोटी सी ट्रिक लगा देना। इसको मैं यदि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं इसको मान लूं आर अपॉन अल्फा, और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं मान लू अल्फा अपॉन अल्फा। क्लियर बात? ये दो चीजें आर अपॉन अल्फा और अल्फा अपॉन अल्फा आपने याद कर लिया तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिएगा, मैं इससे
क्या मिला मुझे 2x प्लस का 4y बराबर का 7, नेक्स्ट है 3x प्लस का 5y बराबर का 8, है ना। अब मैं देखिएगा, जब मुझे इस x की वैल्यू निकालना है, इस x की x वेरिएबल की, तो x वाले पॉइंट को मैं क्या कर दूं, इसको दबा दूं, इसको दबा दूंगा तो मैं r फाइंड आउट करूंगा और यहां से अल्फा y के लिए करूंगा, लेकिन ये जो अल्फा नीचे वाले हैं दोनों के लिए क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे अल्फा अल्फा दोनों के लिए होंगे। ये बात क्लियर चलेगा कैसे, अब मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको आप थोड़ा सा दो मिनट के लिए भूल जाइए, आप x की वैल्यू निकाल रहे, तो यहां से आप इस प्रकार से बनाइए अल्फा r, इसका r मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, कैसे करना है देखेंगे, 4x निकाल रहे, 4 8 32 माइनस, ऐसा ही आया आप 4 8 5 35 माइनस का 35 अपॉन में आ गया, आपको अल्फा निकालना, तो अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं से आप अल्फा निकालोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अल्फा ऐसा करोगे, देखिएगा 4 से 3 क्या हो जाएगा 12, 2 का 5 में तो 10, देखिएगा ये कौन से भैया फोन लगा रहे, जरा मैं बोल रहा हूँ यार, रात के बज रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझा करें, फोन आप लोग कंटिन्यू लगाते हैं, इसीलिए मैं अब सोचता हूँ आपके नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 35 में से 32 चलेगा तो माइनस के 3 अपॉन में बचे 2, तो x की वैल्यू आपको देखो कितनी मिल गई, 3/2, एक आंसर क्लियर हो गया, समझ रहे, एक आंसर आपको क्लियर हो गया। दूसरा अब फिर मैं समझाता हूं, इसके लिए आपको y की वैल्यू निकालना, तो अल्फा अपॉन r, अब अल्फा अपॉन जब r आपको निकालना है तो सेम कंडीशन 2x प्लस का 4y बराबर में 7 अपॉन में 8, क्लियर। अब देखना, आपको जब अल्फा ऊपर का निकालना बाई की वैल्यू, तो इस बाई की वैल्यू को दो मिनट भूल जाइएगा और इससे आप अल्फा निकाल दीजिए इन दोनों से, तो अल्फा कैसा बनाएंगे आप, अल्फा ऐसा बनाएंगे, तो ऐसे अल्फा मतलब 7 3 21, ऐसे ही जाएगा 7 3 21, 21 माइनस 2 8 16 बटे में आएगा कितना, ए कितना 12 माइनस का 10, तो मिलेगा आपको कितना 5/2, ये वैल्यू मिल गई आपको किसकी, y की वैल्यू, y बराबर आपको 5/2 मिल गया और x बराबर आपके लिए कितना मिल गया, माइनस का 3/2 मिल गया। अब इसी कंडीशन को आपने बचपन में पढ़ा हुआ एक बच्चे क्रोनगन की विधि जो बोलते थे हम उसको, उसको कैसे करते हैं उसके हिसाब से मैं करके आपको बताता हूं, एक ट्रिक आज यदि आपको समझ में ना आए तो चिंता मत करना, मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से कल फिर से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, या फिर मैं इसी सवाल को एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बताता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा फोन लगा रहे हैं ना लोग बाग, इनको थोड़ा सा ये समझ नहीं आता ये क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि उनको पता भी नहीं कुछ, लेकिन फिर भी वो जान पूछ के मतलब आदमी को उंगली करते हैं, कुल मिला के परेशान करना है ना। चलिए देखिएगा, अब इसको आप क्या करते थे, यदि आप इसको आपको करना है तो क्या काम करोगे, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को क्या काम करते थे आप, वेरिएबल बराबर करते थे, या तो x से कर लो या y के कर लो, मैं इसमें यदि x से करूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या बनेगा 6x, 3 का 4 में करोगे प्लस का 12y, 3 का 7 में करोगे तो 21, क्लियर, 2 का 3 में करोगे 6x प्लस का 2 का 5 में करोगे 10y, 2 का 8 में करोगे 16, क्लियर। अब क्या काम करते थे आप, इसको घटा देते थे, घटाने के बाद ये माइनस माइनस हो रहे, माइनस कैंसल हो जाता था, 10 में से 12 चले गए तो मतलब 2 बची इधर पे, y बराबर में ये बचेंगे 5, क्लियर, तो 2y बराबर आपको कितना मिल गया 5, और y बराबर मिला आपको 5/2, आपको उधर भी आंसर मिला था, उस ट्रिक से भी मिला था 5/2, क्लियर, अभी तक डाउट। चले सेम, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका मान रख दो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x प्लस का 4y बराबर में 7, तो y की वैल्यू आप इधर रख दीजिएगा 2x प्लस का 4 इंटू 5/2 बराबर में 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मिला 2x प्लस का 2 पंचे 10 बराबर में 7, तो 2x बराबर में 10 का ट्रांसफर कर दो तो 7 प्लस का है तो 10 माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर माइनस का 3 और x बराबर माइनस का 3/2,
उस ट्रिक से भी आपको यही आंसर मिला था, एक्स का माइनस तीन बटे दो और वाई का भी मिला था आपको पांच बटे दो। क्लियर, यहां तक आपको डाउट है? अब यदि आप लोग उस ट्रिक को समझना चाहते हैं तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन और आपको कराने की कोशिश करता हूं और उस ट्रिक से फिर से करेंगे। ये क्वेश्चन को जरा नोट करते जाइएगा, आप लोग अपने नोट्स बनाते जाना क्योंकि अब हम वर्ग तीन की क्लास करना है ना, मैथ्स की और सभी सब्जेक्ट की, इसलिए हम आप प्रैक्टिस में ला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्लासे लाए, कुछ कुछ टॉपिक लाएंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा देखने का और मुझे आप सभी को समझाने का, ठीक है? बट प्लीज कोशिश करें क्लास के टाइम पे आप लोग कॉल लगाए कोई भी। चल दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको। उस दूसरे क्वेश्चन में जो आर अपॉन अल्फा बताया वो अल्फा अपॉन अल्फा, उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर, 3x प्लस का 6y बराबर में 2, दूसरा है आपका 4x प्लस का 2y बराबर में 3। अब देखो जब आपको 3x प्लस का 6y बराबर में 2 दिया है, 4x प्लस का 2y बराबर में 3 दिया है, अब इसको हम यदि उस ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक से कैसे करता, आप ट्रिक को एक एक स्टेप समझ लीजिए, मैं एक एक स्टेप समझाता हूं। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जब मुझे फाइंड आउट करना पड़ती है तो मैं r अपॉन अल्फा ले रहा हूं और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अल्फा अपॉन अल्फा ले रहा हूं। अब मैं आपको पहले बता चुका कि जो अल्फा है ना ये दोनों के लिए सेम है, आपको सिर्फ ये अल्फा और ये r फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना, और ये एक मिनट ही लगेंगे, आप चुटकियों में इसको हल कर दोगे, सिर्फ ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। चलिए यदि मुझे r फाइंड आउट करना, मैं इधर से लिख लूं, आपको पहले r फाइंड आउट करके बताऊंगा, तो इस इक्वेशन से मैं r फाइंड आउट करूं तो कैसे, x के लिए कर रहा हूं तो x के लिए r फाइंड आउट करने के लिए इस वेरिएबल जो हमारा x का वेरिएबल है इसको तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि इसको तो निकाल ही रहे है ना x के लिए, तो मैं क्या काम करूंगा इसमें r बना दूंगा। देखो मैंने इसको जोड़ के r बना दिया मतलब मेरा r कहां से गया, 6 से होते हुए 3, 3 से हुआ 2, 2 से हुआ 2, तो मैं क्या काम करता हूं पहले 6 और 3 का मल्टीप्लाई किया 18, माइनस माइनस लगाते हैं ध्यान रखना, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 अपॉन, अब मुझे जो अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा सभी के लिए सेम रहेगा दोनों चीजों के लिए, तो कैसे अल्फा जो फाइंड आउट करता हूं वो मैंने क्या बता दिया आपको, अल्फा के लिए ये 4 वेरिएबल हैं, आप इससे ही अल्फा निकालते हैं, अल्फा ऐसा बनाते हैं ऐसा बना दो, अल्फा कहां से गया, 6 से होते हुए 4 गया, 4 से होते हुए 3, 3 से होते हुए 2, तो आप 6 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 6 चौका 24, माइनस करोगे तो आप 3 और 6, 3 दूनी 6, क्लियर बात, इधर हमें कहीं डाउट है आपको? देखो यदि मैंने r फाइंड आउट करना है, आप थोड़ा सा समझ ले इसको, लेंदी मत समझिए, यदि आपने एक बार समझ लिया तो क्लियर हो जाए पिक्चर। r मुझे कैसे निकालना है, x के लिए r निकाल रहा हूं तो इसको भूल जाइएगा, 6 3 18 माइनस 2 2 4, फिर मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है तो इसको भूल जाइए, 3 2 ये बनेगा मेरा सॉरी अल्फा, 6 चौक 24 माइनस का 3 2 6, तो मुझे ये मेरा 14 बटे ये कितना बचेगा 18, 2 7 14 और 2 9 18, तो मुझे r की वैल्यू मिल गई कितनी, 7 बटे 9, 7 बटे 9 मतलब x की, r अपॉन x मतलब मुझे x की जो वैल्यू अल्फा सॉरी r अपॉन अल्फा ये मुझे 7 बटे 9। सेम इसी प्रकार से यदि मैं अब y की वैल्यू फाइंड आउट करूं भैया, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप अभी पहले जो x का निकाल रहे थे ना उसमें आप x भूल गए थे, y की निकालने के लिए आप y भूल जाओ, इसको और इसमें आपको क्या निकालना, अल्फा अपॉन अल्फा, तो अब अल्फा कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे y को छोड़ दो और x से वेरिएबल से इससे बना दो अल्फा, तो बना 2 चौक 8 और 3 और 3, तो 2 चौक 8 माइनस का 9 अपॉन में आएगा वो कितना आएगा 18 आएगा आपका नीचे आ जाएगा 18, तो माइनस का 1 बटे 18 ये मिल गया आपको वाई की वैल्यू। कितना सा टाइम लगा आप बताइए, इसमें बिल्कुल भी समझने का कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ आप एक बार इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए। अब मैं देखो आपको सेम उसके फॉर्मूला बताता हूं कैसे, सेम आपने उतार लिया होगा आप लिख लीजिएगा, इसको मैं बना के आपको बता देता हूं। यदि आपको अल्फा एक्स बराबर आर अपॉन अल्फा और बाय बराबर अपॉन अल्फा, ये अल्फा तो मैंने बोल दिया सेम है, अब अल्फा कैसे निकालोगे देखो जरा आप समझ लो, आप स्टेप लिख लीजिएगा आपको भूलोगे नहीं, जिससे कैसे मुझे यदि अल्फा निकालना है पहले मैं बीच वाला निकालू नीचे वाला, नीचे क्योंकि कॉमन है, यदि मैं नीचे वाला अल्फा निकालू तो नीचे वाला अल्फा कैसे निकालता हूं मैं,
इन दो वेरिएबल से। तो यहां लिख लो 3x प्लस का 6y अपॉन का 4x प्लस का 2y। क्लियर बात समझ गए। अब मैं क्या काम करूंगा, इसका यदि मुझे अल्फा निकालना है तो कैसे, अल्फा मेरा कैसा बना, देखो ऐसा अल्फा बना, तो मैं इसको कैसे करूंगा, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा, तो बनेगा 6 चौको 24 है ना, 6 चौको 24 माइनस मैं क्या करूंगा 3 दूनी 6, तो मुझे कितना मिला 24 में से 6 चले गए तो मिला 18, ये मुझे अल्फा निकल गया, समझना। अब मुझे आर निकालना है, तो आर कैसे निकालूंगा, इस एक्स के वेरिएबल को छोड़ दो, आप ले लो इधर की, क्या मिला आपको 6y बराबर में 2 और 2y बराबर में 3। अब r निकालोगे तो r देखो ऐसा बनता है, r ऐसा बनेगा, तो ये r इधर से गया 6 18 माइनस 6 18 माइनस 2 दूनी 4, तो 18 से 4 चले जाएंगे तो मिलेगा आपको कितना 14, ये मिल गया आपको r। अब आपको फाइंड आउट करना है दूसरा वाला अल्फा, दूसरा वाला अल्फा फाइंड आउट करना है बाय के लिए, तो आप इस बाय को भूल जाओ और आप इससे और इससे लोगे, इससे और इससे लोगे, तो लिख दीजिएगा आप 3x और ये बन जाएगा 4x, अल्फा निकाल रहे हैं आप, तो बराबर मिलेगा 2 बराबर मिलेगा 3, समझ गए। इसको आप अल्फा निकालना, अल्फा ऐसा बना दो, अल्फा इधर से आया 2 चौको 8 माइनस का, क्लियर। अब देखो आपको ये अल्फा की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई और ये अल्फा की वैल्यू, ये जो अल्फा आपने लिखा है ये कौन सा अल्फा है, कॉमन अल्फा, तो आपको आर वाला एक्स की वैल्यू आर अपॉन एक्स, तो आर की वैल्यू क्या मिली आपको 14, यहां लिख दो 14, और अल्फा की वैल्यू क्या मिली आपको 18, बटे में लिख दो 18, 2 7 14 और 2 9 18, आपने क्या निकाला था पहले 7 बटे 9 निकाला था, ये आपको आंसर मिल गया। वाई की वैल्यू अल्फा, अल्फा मतलब माइनस का 1 और अल्फा अपॉन 18 एक बटे 18, यही आपको आंसर मिले थे, यही आंसर मिले थे आप लोगों को। अब कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, ये आज हमारी मैथ्स की पहली क्लास थी और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको ऐसे ऐसे टॉपिक क्लियर कराऊ, क्योंकि मुझे वर्ग 3 की क्लास लगानी है, तो आपकी छोटी छोटी चीजें जो बेसिक चीजें वो थोड़ी सी बताना पड़ेगी, और जब वो बेसिक चीजें हम बता देंगे आप चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। मैं बात करूंगा कि वर्ग 3 की तैयारी करना है आपको, तो वर्ग 3 की तैयारी करने के लिए आप नोट्स मंगा लीजिएगा, नोट्स मंगाने के लिए हमारे AS Academy ने तैयार कर दिए हैं। यदि आप नोट्स मंगाना चाहते हैं तो नोट्स आप घर बैठे मंगा सकते हैं, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आप क्या करोगे, 9111750039 पर आप क्या करोगे मुझे व्हाट्सएप कर दो, अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के भेज दो, वहां से आपके क्या हो जाएंगे नोट्स बुक हो जाएंगे, ठीक है, ठीक क्लियर हुई। 9111750039 मैथ्स की क्लास मैंने जो 18-19 ली है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है जो मतलब नोट्स परचेस कर चुके हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि सर हमने नोट्स परचेस कर लिए, तो हमारा ऐसा निवेदन है कि जो भी 18-19 क्लासेस हुई हैं उसको थोड़ा सा आप कंटिन्यू ना करके आप क्लास फर्स्ट से कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा चलिए यदि आपकी डिमांड है तो मैं कोशिश करूंगा उसको 21 नंबर से वहां क्लोज करूंगा और 1 नंबर से आपको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उनका मकसद ऐसा है कि सर हमें समझ में नहीं आएगा, हमने पढ़ा नहीं है, अब हम चाहते हैं कि हम लाइव पढ़े तो हमें थोड़ा सा और अच्छे समझ में आए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको नंबर सिस्टम से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, छोटी छोटी चीजें बेसिक चीजें आपको बताता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोट्स बुकिंग करने के लिए वर्ग 3 के बताई दिया 9111750039 पर आप नाम और अपना एड्रेस लिख के भेज दो, 3 या 4 दिन में आपके घर पे नोट्स पहुंच जाते हैं, और आपको नोट्स पहुंचाने के पहले मैं आपको सारी कोरियर की डिटेल भी दे देता हूं, तो वहां से आप ट्रैक कर सकते हैं और घर बैठे तैयारी करो। 10-12 हजार रुपए कोचिंग से अच्छे हैं, वहां से बचा लो और अपने 1000-1200 रुपए में तैयारी कर लो, है ना, और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को दिल से लाइक करो, शेयर करो, है ना।